शिल्पा नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। चाईबासा जगदलपुर मार्ग में कुंदरू हाथों गांव के पास तेज रफ्तार से आ रही बालू लदा एक ट्रक पेड़ से टकरा गया। इस दुर्घटना में ट्रक में सवार चालक सहित तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि ट्रक में सवार तीन मजदूर जख्मी हो गए। कुजू नदी से बालू लोडकर ट्रक के चालक 25 वर्षीय राम सिंह कोड़ा सोमवार को दिन के करीब 2 बजे चक्रधरपुर की ओर जा रहा था। ट्रक में करेगला थाना के जोंको गांव के चालक राम सिंह कोड़ा के अलावे मछुआपूर्ति पांडू जोंको निर्मल जोंको दिवरी कोड़ा के अलावे एक अन्य व्यक्ति सवार थे। कुंद्रुहातू गांव के पास सामने से आ रही ट्रैक्टर को बचाने के दौरान चालक का संतुलन बिगड़ जाने से तेज रफ्तार में पलक झपकते ही एक पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ट्रक के परखच्चे उड़ गए। ट्रक के अंदर सवार चालक राम सिंह मछुआपूर्ति और पांडू जोंको की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। तीनों मृतक का शव ट्रक में फंस गया, जबकि ट्रक डाला में बैठे दो मजदूर को चोटें आई, जबकि एक मजदूर को हल्की चोटें आई हैं। तीनों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां दो को इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर मुफस्सिल थाना प्रभारी दिग्विजय सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे और फंसे शव को क्रेन की मदद से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। कोल्हान प्रमंडल के आयुक्त विजय कुमार सिंह ने कोल्हान प्रमंडल के 9 नगर परिषद के द्वारा नगर परिषद क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में वित्तीय उपलब्धि, भौतिक उपलब्धि, स्वच्छ भारत मिशन के लक्ष्य, प्लास्टिक थैले के उपयोग और विपणन की रोक के लिए की गई कार्रवाई की समीक्षा की। आयुक्त कार्यालय में हुई बैठक में जमशेदपुर, मानगो, जुगसलाई, चक्रधरपुर, आदित्यपुर, कपाली, चाईबासा और चकुलिया के कार्यपालक पदाधिकारी शामिल थे। बैठक में सरायकेला नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी के शामिल नहीं होने पर आयुक्त ने स्पष्टीकरण मांगा है। समीक्षा के दौरान वित्तीय वर्ष 17-18 और 18-19 में कई नगर निकायों के पास बची वित्तीय राशि पर आयुक्त ने ससमय राशि का उपयोग करने का निर्देश दिया। आयुक्त ने सभी कार्यपालक पदाधिकारी को बस स्टॉप पर सुंदर और मजबूत यात्री शेड शौचालय निर्माण करने का निर्देश दिया। चक्रधरपुर की वित्तीय उपलब्धि पर आयुक्त ने प्रशंसा करते हुए आगे भी तत्परतापूर्ण कार्य करने का सुझाव दिया। सरायकेला नगर परिषद द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन में स्पष्टता नहीं होने पर और कार्यपालक पदाधिकारी के बैठक से अनुपस्थित रहने पर स्पष्टीकरण मांगा है। समीक्षा के दौरान पॉलीथीन बैग के उत्पादन, वितरण और विपणन पर रोक लगाने के दौरान पाया गया कि इस रोकथाम के लिए की गई छापामारी से पॉलीथीन उपयोग में कमी आई है। आयुक्त ने चाईबासा नगर परिषद क्षेत्र से बाहर तांबो क्षेत्र में आयुक्त, उपायुक्त, एसपी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश आवास, आकाशवाणी केंद्र और परिसदन अवस्थित है। नगर परिषद क्षेत्र से बाहर रहने के कारण इस क्षेत्र की बड़ी आबादी प्रकाश, साफ सफाई सुविधा से वंचित है। आयुक्त ने इस बड़ी आबादी वाली क्षेत्र को नगर परिषद में शामिल करने का सुझाव दिया। सड़क दुर्घटना में मुफस्सिल थाना के तिलाईशुदा गाँव निवासी पोंडाय दोराईगुरु की मौत हो गयी, जबकि पातर दोराईबुरु जख्मी हो गया। सोमवार को पोंडाय दोराईबुरु और पातर दोराईबुरु दिन के 3 बजे गांव से साइकिल पर कासिया गांव की ओर जा रहा था। तुईबीर गांव के पास एक तेज रफ्तार से आ रही टाटा मैजिक वाहन ने पीछे से टक्कर मार दिया, जिससे पोंडाय की मौत हो गई और पातर जख्मी हो गया। घटना के बाद टाटा मैजिक के चालक वाहन सहित फरार हो गया। सदर प्रखंड कांग्रेस के सभी पंचायत अध्यक्षों के साथ सदर प्रखंड अध्यक्ष पवन सवैया और पर्यवेक्षक बामिया बारी ने बैठक की। बैठक में सभी बूथों पर जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया। कांग्रेस कार्यालय में जनसंपर्क अभियान चलाने को लेकर हुई बैठक में पवन सवैया, बामिया बारी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सनी सिंकू के अलावे पंचायत अध्यक्ष शामिल थे। बैठक में आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव के मद्देनजर बूथ स्तर पर सघन जनसंपर्क अभियान चलाने का निर्देश दिया। सनी सिंकू ने कहा कि जनसंपर्क अभियान के लिए रसीद सदस्यता और शक्ति ऐप से जुड़ने के लिए दिया गया है, ताकि राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के साथ जुड़ने वाले सदस्य सीधा संपर्क में रहे। उन्होंने कहा कि जिले के 18 प्रखंड में पर्यवेक्षक मनोनीत किया गया है। लोकसभा के सभी 1280 बूथों पर अभियान चलाना है। पिछले 22 जनवरी को रांची में जनसंपर्क अभियान विषय पर पूरे राज्य के सभी प्रखंड के पर्यवेक्षकों के साथ में डॉक्टर अजय कुमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक बैठक हुई थी, कार्यशाला हुई थी और उसी दिन श्री अजय शर्मा जो दिल्ली से आए थे और झारखंड प्रभारी हैं,
जल संपर्क अभियान के लिए। आज सदर प्रखंड के सभी पंचायत के अध्यक्षगण को, सभी पंचायत अध्यक्षों को बुला करके ये जनसंपर्क अभियान के लिए ये रसीद दिया। और ये जनसंपर्क अभियान के पीछे हमारे राहुल गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष का मानना है कि ये रसीद के साथ में सदस्यता और शक्ति ऐप से भी जुड़ना है। इसका मायने यह है कि राहुल गांधी जी का इच्छा है कि गांव के भी एक साधारण व्यक्ति भी सीधे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े। इसमें इस रसीद में उसी तरीके का ही एक बायोडाटा है जिसमें मेल वगैरह जो है लिख करके जब आप मेंबर बनेंगे तो ये जनसंपर्क अभियान का रिसिप्ट दिल्ली में फिर जमा होगा। तो वहाँ बार रूम के माध्यम से पूरे देश के एक एक जनता तक जो भी इस जनसंपर्क अभियान से जुड़े होंगे उन लोग से सीधा संवाद करने का उपाय राहुल गांधी जी ने जो है चलाया है, जिसको हम लोग इस जिला में चला रहे हैं। सभी प्रखंड में, सभी प्रखंड में ये जनसंपर्क अभियान के लिए रसीद दिया जा चुका है। लक्ष्य बहुत स्पष्ट है, लक्ष्य सभी बूथ का है, 1280 बूथ का है और सभी प्रखंड अध्यक्षों को दिया जा चुका है। सभी प्रखंड, सभी 18 प्रखंड के लिए पर्यवेक्षक मनोनीत हो चुके हैं। प्रदेश से चिट्ठी उन लोगों को बकायदा दिया जा चुका है और ये काम जारी है। सदर प्रखंड में आज एक रिव्यू के तौर पर फिर से जिनको भी नहीं दिया जा चुका था उनको देने के लिए आज कही। संजय सिंघू ने भाजपा सांसद सह प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुआ के बयान की निंदा करते हुए कहा कि महात्मा गांधी के खिलाफ लक्ष्मण गिलुआ ने असंसदीय टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि लक्ष्मण गिलुआ का बयान देश की गरिमा, एकता और अखंडता पर कुठाराघात है। श्री लक्ष्मण गिलुआ जी हमारे सिंहभूम संसदीय क्षेत्र के सांसद और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान जो कांग्रेस के प्रति बिल्कुल असंसदीय बयान का हम लोग निंदा करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी जी जो राष्ट्रपिता के बारे में भी उन्होंने बहुत असंसदीय भाषा और असंसदीय टिप्पणी उन्होंने किया है। उन्होंने जो है कहा है कि महात्मा गांधी जी मोहम्मद जिन्ना और पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए देश का टुकड़ा, देश का विभाजन उन्होंने किया है। और साथ ही साथ आज मार्ट गठबंधन में 5-5 पीएम के दावेदार हैं, ये कहना श्री लक्ष्मण गिलुआ जी बोलते हैं तो उनको सबसे पहले ध्यान देना चाहिए कि देश के हित में, एकता और अखंडता में के हित में वो कितना जो है गरिमामय प्रतिक्रिया है। हम लोग निंदा करते हैं, ये बहुत स्पष्ट लगता है। तो उतना ही में नहीं रुके बल्कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री श्री मधुकड़ा जी के बारे में भी उन्होंने अंडरगल बयानबाजी की है। तो हम लोग कहना चाहते हैं राजनीति में प्रतिस्पर्धा ठीक है, अगर कहीं जो आपके पास स्रोत इतिहास का बहुत बढ़िया है, आपके पास पुख्ता स्रोत है, तो आप इस तरीके का बयानबाजी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीति में आपको अभिव्यक्ति के अधिकार है। लेकिन एक तरफ आप जो है देश के एकता और अखंडता पर कुटाराघात कर रहे हैं। आपका कहना है कि 5 प्रधानमंत्री का दावेदारी देश को विभाजन की ओर ले जा रहे हैं, तो ये भी उनको होना चाहिए। ये कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस से सम्मत जितना भी जो महागठबंधन दल का मंशा नहीं है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी सदैव इसी तरीके का विकृत विचार और लोगों को विचलित करने वाला कोई ना कोई ऐसा जो है गरिमा से दूर, यानी बिल्कुल असंसदीय भाषा, असंसदीय प्रतिक्रिया दे करके लोगों को दिग्भ्रमित करके ही राजनीति शुरू से किया है। सुफल साई निवासी पीड़िता की बहन ने
मंझारी थाना के गुनमलता गांव निवासी हरीश चंद्र कुंकल पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने और नाबालिग लड़की को भगाने की शिकायत महिला थाना में की है। इस शिकायत में पीड़िता की बहन ने बताया है कि वह पूरे परिवार के साथ आयुक्त कार्यालय के पास रहती है। पीड़िता की बहन ने कहा कि वह जमशेदपुर करीम सिटी कॉलेज में स्नातक की छात्रा है। इस दौरान उसकी मुलाकात हरीश चंद्र कुंकल से हो गई। दोनों का मुलाकात होने के बाद उसने शादी का प्रलोभन देकर दोनों साक्षी में पति पत्नी के तौर पर रहने लगे। कुछ दिन बाद वह मुझे छोड़कर भाग गया और शादी करने से इनकार कर दिया। इस दौरान मेरे साथ मारपीट भी की। मुझसे शादी से इनकार करते हुए मेरी छोटी बहन जो नाबालिग है उसे 30 दिसंबर 2018 को घर से लेकर भाग गया। मैंने नाबालिग लड़की को लेकर भाग गया है हरीश चंद्र कुंकल कुनमलता मंझारी थाना में पड़ता है, गाँव का कुनमलता पड़ता है। भागा हुआ 30 तारीख को सुबह में भोर में 3 बजे भोर में। कौन सा महीना पे, कितने दिन पहले? 2018 में लेकर भाग गया है। तो अभी थाना क्या करने आए थे हम लोग? थाना हम लोग आए थे केस करने के लिए, तो ये लोग केस लिया है अब मैंने लिखने के लिए, तो आज लिख के मांगे हमको तो थाना प्रभारी दोनों महिला भी और वहाँ भी दिग्विजय सिंह। उसके बाद जो है हम लोग को कहा गया कि ठीक है कल आइए, FIR हो चुका है। मैंने उसमें दफा उठा लगाया है, वो लोग तो थाना प्रभारी समझेंगे अपना। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।